तो दोस्तों ये है नाइबे कंपनी के Q1 के रिज़ल्ट और ये सारी अमाउंट जो है लैक्स में है यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और ये प्रीवियस ईयर के रिज़ल्ट है, ये इस Q1 के रिज़ल्ट है और ये प्रीवियस क्वार्टर के रिज़ल्ट यहाँ पर है। तो चलिए रिज़ल्ट देखते हैं। अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम जो कंपनी ने इस साल अभी इस Q1 में कमाए वो 2600 लाख कमाए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले पिछले साल 1033 लाख थे। तो इनकम जो है कंपनी की डबल हो चुकी है। और अगर हम Q1 के क्वार्टरली वाइज देखें तो इनकम में काफ़ी गिरावट है प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से देखें, और अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो एक अच्छी जंप है। अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस में जो है लास्ट ईयर जो एक्सपेंस वो थे कंपनी के 1022 लाख, जो कि अभी बढ़ करके 2456 लाख हो चुके हैं और पिछले क्वार्टर के मुकाबले ये काफ़ी कम है एक्सपेंस। और अगर हम नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो नेट प्रॉफिट जो कंपनी के पास बचता है जो प्रीवियस ईयर था कंपनी का वो था 10 लाख, और उससे बढ़ कर के ये 82 लाख तक पहुंच चुका है नेट प्रॉफिट। तो ये एक अच्छी जंप है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे नेट प्रॉफिट जो लास्ट ईयर 10.06 था उससे 82.80, यानी कि लगभग आठ गुना प्रॉफिट हो बढ़ चुका है कंपनी का। और प्रीवियस क्वार्टर में तो प्रॉफिट जो है नेगेटिव था, प्रॉफिट नहीं था, ये लॉस था प्रीवियस क्वार्टर में। तो और लास्ट अगर हम यहाँ पे EPS देखें कंपनी का तो EPS भी काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो चुका है, 0.10 से ये बढ़ करके 0.70 तक हो चुका है। और अगर आप इस कंपनी के चार्ट पैटर्न में देखोगे तो एक मंथ में इस कंपनी ने 26% के रिटर्न दे दिए अपने शेयर होल्डर्स को, और सिक्स मंथ्स की अगर हम बात करें तो लगभग 9% के रिटर्न दिए अभी तक, और एक साल में इस कंपनी ने पैसे डबल कर दिए अपने शेयर होल्डर्स के। और पाँच साल का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको 6300% लगभग 6400% के रिटर्न ये अपने शेयर होल्डर्स को दे चुकी है ये कंपनी। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी इसका सही है, 3200% के रिटर्न इस कंपनी ने दे दिए। तो आप इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हो अपनी स्टडी के लिए, और ये एक नैनो कैप कंपनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको स्टडी कर सकते हैं।